फर्स्ट चैट किया था ये है जनवरी फरवरी मार्च 9 मार्च 2015 का 2015 से चैट हुआ पहला, देख सकते हो। तो उसके बाद ही तो एंगेजमेंट वगैरह की बात चल रही है। 16 में तो 17 में शादी हो गई थी। बाबू रेडी और ये मैं रेडी और ये पति देव रेडी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैमिली कॉर्नर पे। और अभी हम जा रहे हैं अपने ओनर के यहाँ, जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसके जो ओनर है उनके यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा रेंट एग्रीमेंट जो है वो एक्सपायर हो गया था, तो हमने रिन्यू करा लिया है। पर उन्होंने बोला कि बच्चे को लेके आओ, मिलवाओ, अभी तक मिलवाया नहीं है तुमने बच्चे को, तो बाबू से मिलवाने ले जा रहे हैं। इनका भी डिमांड बहुत ज्यादा है, पब्लिक डिमांड, ऑन डिमांड डिमांड है, तो बाबू को लेके जा रहे हैं उनसे मिलवाने, उनसे मिलवाएंगे। दोनों ओल्ड एज अंकल आंटी हैं, तो दोनों लोग बच्चों से मिलना चाहते हैं। देखते हैं कैप्चर कर पाएंगे कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कर पाएंगे, तो क्योंकि हम भी खुद पहली बार ही मिल रहे हैं उनसे, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो चलो मिलते हैं और देखते हैं वहां से निकल के सीधा घर आते हैं, कुछ और प्लान बनता है क्या बाबू, बनेगा क्या कुछ? हो सकता है मूवी भी देखने चले जाए, हो सकता है। चलो तो आज है शानू का बर्थडे, तो मे भी शायद वहां से हम कुछ क्लिप मंगवा ले और देखते हैं वहां का क्या प्लान है। सुबह सुबह विश तो कर दिया है, बट वंस अगेन हैप्पी बर्थडे बाबू, हैप्पी बर्थडे दादू, हैप्पी बर्थडे, मैं रेडी हो गया हूँ पार्टी के लिए, हैप्पी बर्थडे पार्टी के लिए, आई एम रेडी। चॉकलेट भी चाहिए और क्या चाहिए। तो अगर वहाँ पे कुछ कैप्चर मोमेंट कैप्चर हो पाता है तो हम जरूर दिखाएंगे कि वहाँ पे बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। देखिए हम जहाँ रहते हैं वहाँ का ये एक रास्ता है, इसका नाम है सावेरी, और भाई साहब इस रास्ते पे कभी जिंदगी में आज तक जितने दिन से मैं रह रहा हूँ ऐसा नहीं हुआ है कि ये रास्ता मेरे को कभी जिंदगी में खाली मिला हो, कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है कि मतलब यहाँ इस रोड पे आप आओ और ये रोड आपको खाली मिल जाए, कभी भी हुआ ही नहीं आज तक। जिसे मिल के हम लोग निकल चुके हैं, अच्छा लगा मिलकर, अच्छे थे दोनों लोग, स्वीट थे। और बाबू ने तो इतनी बातें की है कि क्या ही बताए, एकदम उन लोग को इतना चिल्लाया वहाँ पे। पहले वो लोग बोले अरे शरीफ बच्चा है, बाद में बोले ओ इतना बोलता है, चंचल बच्चा है। शरीफ से चंचल इसने डेढ़ घंटे में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। एंड इसको गिफ्ट भी दिया आंटी ने, वो पॉलिथीन में वो चल के दिखाएंगे। बुरा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है भाई बाबू तुमको? गिफ्ट भी दिया और पैसे भी कमाए इसने, हमें कुछ नहीं मिलता है सब इसी। आंटी ने बोला पहली बार आया बच्चा हमारे घर, ऐसे नहीं जाने देते, तो उन्होंने गिफ्ट दिया और एक ये दिया। अभी क्या दिया हमने भी नहीं देखा है, अच्छा नहीं लगता है ना, आंटी ने दिया और तुरंत खोल के देखने लगे, अब देखेंगे। इतना तो पेशेंस नहीं होता कि घर तक वेट करे, अभी मैं पॉलिथीन से निकाल के देख लूंगी कि क्या है, फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। जैकेट में कैसे ये भी अब ये ब्लॉगर बन चुका है मेरे को लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए हम आ गए मम्मी के घर, और ये काम जब इंसान के पास काम ना हो और काम करने की ओवर एक्टिंग करनी हो ऐसे करना है। तो बताओ क्या बाबू और पापा आज एक कलर कपड़ा पहने क्या? तो ये देखिए शाम को हम गए थे बाहर और हम लाए समोसा, और आज हम खाएंगे समोसा और चाय, शाम का नाश्ता होगा ये, क्योंकि आज सानू का बर्थडे भी है, तो आज हमने सोचा कि समोसा पार्टी भी कर लेते हैं, और समोसा पार्टी करेंगे, चाय पियेंगे, और फिर आज घूमने का प्लान है, बाहर निकलने का प्लान है, सबका प्लान था कि खाटू श्याम जाएंगे, अभी देखते हैं उस प्लान पे मंथन चल रहा है, पैकिंग होगी, कब निकलेंगे, कैसे होगा, अभी वो भी दिखाते हैं, वो सब अभी वो उसमें थोड़ा सा वो है टाइम है निकलने में। और ये देखिए सब लोग खाएंगे एक एक समोसा, तो ये खाएगी दो समोसा, कोई अच्छी चीज अभी खाने के लिए दे दो तो नहीं खाएगी, फल दे दो और नहीं लेके आई फल भी, कोई अच्छा चीज दे दो तो नहीं खाएगी, पर समोसा दो खाएगी, मोमो फुल प्लेट खाएगी, मैदा खिलवा लो बस मैदा ना खाऊं, तसल्ली से इंसान को खाने भी मत दो, अच्छी चीज खाया करो ज्यादा ज्यादा।
कल अमरूद खाई थी, डांट खाई, मजा आया है? आज भी तो ये आ गई हमारे शाम की चाय, जो कि बहुत ही जरूरी है शाम में, काफी चाय। और ये लड्डू देखिए, लड्डू लिपस्टिक लगा रही है, अभी इसे मेकअप करने की आदत। देखिए लड्डू, ए लड्डू कैसे लिपस्टिक लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ऐसे? देखिए आएगी और इधर उधर लगा रही है लिपस्टिक सबके ऊपर। देखिए शर्ट पे, शर्ट देखिए, शर्ट पे लगा रही है। नो नो, समोसा चाय कर लिए और ये दोनों बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ एक अलग गेम चल रहा है, पापा जा रहे हैं मंदिर नहा के, लड्डू गई दूसरी बार नहा लिए हैं और दूसरी बार नहा के पूजा करके जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर पूजा करके आएंगे। क्या क्या प्लान है? प्लान है जो भी है वो सरप्राइज ही रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए। प्लान अब कैंसल सा दिख रहा है। और अब मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, रेस्ट करने के बाद आज देखते हैं, आज फ्राइडे है और फ्राइडे है तो कुछ खाने पीने व्यवस्था बनाया जाएगा, कुछ खाया जाएगा। अच्छा मंदिर से अभी सब लोग एक दूसरे से, देखिए पापा जा रहे हैं मंदिर, पापा अपने रूटीन पे एकदम फिक्स है, टाइम टू टाइम सब चीज करना है, इन लोग का कोई रूटीन नहीं है। देखो आज दीदी को उसके गूगल ड्राइव पे क्या मिला, जो उसने सेव करके रखा था, जैसे जैसे जींस धुलने जाओ उसमें पैसे मिल जाते हैं ना, तो वैसी खुशी दीदी को आज मिली है क्योंकि उसको अपने गूगल ड्राइव पे कुछ ऐसा मिला है। तो चलो आप लोगों को भी सुनवाते हैं और दिखाते हैं। चैट ने सेव किया हुआ था, ये चैट है जब हमारी शादी फिक्स हो गई थी और हमने फर्स्ट चैट किया था, ये है जनवरी फरवरी मार्च 9 मार्च 2015 का, 2015 से चैट हुआ पहला, देख सकते हो। तो उसके बाद ही तो एंगेजमेंट वगैरह की बात चल रही थी। 16 में तो 17 में शादी हो गई थी, ज्योति की शादी की वजह से हमारी बात चल रही थी। तो बॉस ने मुझे बोला हाय इट्स कृष्ण हियर, मैंने बोला थैंक यू, उन्होंने बोला माय प्लेजर, मैंने कहा थैंक यू टू, उन्होंने अगेन वहां स्कॉच का ही कैप्चर कर लू, देखना स्कॉच ये जो अगर आप सोचते हो कि पीछे से आवाज कैसे आ रही है, ये है। क्या देख रहे हो, तुमको ना दिखा है, तुम्हारी शैतानी ना दिखा है ब्लॉग में, आग छोटी छोटी मटर के दाने जितनी। तो मैंने बॉस से पूछा सो हाउज योर गोइंग, बॉस ने मुझसे पूछा हाउज योर डे इज गोइंग, मैंने कहा ओके ओके एंड योर्स, सो फार सो गुड। था कि हम एक दूसरे से मैसेज वगैरह नहीं कर रहे थे, तो उस बात पर बॉस ने मुझसे बोला आई मस्ट कन्फेस व्हेन आई डिडंट गॉट एनी मैसेज ऑन बीएम from your side, I thought something wrong. तो ये something went wrong, boss ने लिखा, मैंने कहा ओ मैंने भी same ही feel किया था, because हम दोनों ना number exchange, मतलब हमें लग रहा था message क्यों नहीं कर रहे, means I'm not interested, मुझे ऐसा लग रहा था, boss not interested और boss को लग रहा था I'm not interested. By the way हमारी completely arranged marriage शादी है, ये मम्मी पापा के बात करने के बाद का है। और ये देखा आप कितने अच्छे से लोग मैसेजेस करते हैं स्टार्टिंग में, नहीं बहुत टाइम तक जीजू खैर अभी भी ऐसे ही है, क्या लगा था आपको जीजू से आप पहले जीजू जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है। चैट देखो ना, पूरी चैट मैंने सेव की है पूरी। जब आप पहली बार मिली थी दीदी की शादी जो हुई है वो शादी.com के थ्रू हुई है, तो मैं आज एनालाइज करना चाहता हूँ कि ये जो मैरिज पोर्टल्स हैं शादी.com और ये सब, जब इनके थ्रू हम पहली बार लोगों से मिलते हैं तो मैं तो जब सोचता हूँ मुझे लगता है कि क्या ही मजाक होता होगा कि पोर्टल के थ्रू मिल गए शादी करने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब जब आप पहली बार मिली तो आप सीरियस थी, आपको हंसी नहीं आ रहा था, मैं पोर्टल के थ्रू इस लड़के से मिलने आई हूं। दीदी ने तो बनाया ही था मजाक, बनाया ही था टाइम पास करके, मुझे नहीं था, मेरी बहन को किसी का अकाउंट खुलवाना था तो उसने बोला टारगेट पूरा करवाना था, क्योंकि जीजू और ज्योति ऑलरेडी कमिटमेंट रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने मुझे बोला, मैं तो टाइम पास, मैंने कहा मुझे हर दूसरे दिन प्यार,
जब इस बंदे से मेरी बात हुई, मतलब बॉस से, तो सीधा अंकल का मैसेज, कैन आई टॉक टू योर मॉम? मैंने कहा यार श्योर, मैं थोड़ी बता सकती थी कि, और मुझे कभी नहीं लगा था कि ये इस लेवल पे चला जाएगा कि लड्डू हो जाएगा. Oh, shit, oh, shit. 7 साल निकल जाएंगे. तो आपने सोचा नहीं था मतलब कि शादी बिल्कुल भी नहीं. मुझे लगा एक नॉर्मल एक्सचेंज में क्या हो जाता है, बट वो जहाँ पेरेंट्स घुस जाए ना, वहाँ पर वो चीजें सीरियस भी हो जाती है. मैंने तो सोचा था अभी और ऑप्शन मिलेंगे मुझे, बट वही ऑप्शन. फिर मैंने देखा अच्छा बंदा यूएस वगैरह से पढ़ा है तो अच्छा होगा. यूके यूएस देखा. कभी कभी शादी.com भी खतरनाक हो सकता है. अपने जीवन को बचाएं, शादी.com से अपनी प्रोफाइल हटाएं, जल्दी करें, लेट ना हो जाए. नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. उसके बाद बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंस भी मैंने देखे. इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप लोग को बता रहा हूँ, RBI का गोल्ड बॉन्ड आया है, आज लास्ट डे था, मैंने खरीद लिया. क्या आपने खरीदा? आपने लेट बताया. नहीं नहीं, अभी फिर आएगा, फरवरी में फिर से आएगा. फरवरी में फिर से आपके पास चांस रहेगा गोल्ड बॉन्ड खरीदने का. आरबीआई अपने गोल्ड बॉन्ड रिलीज करती है, जो मार्केट में गोल्ड अवेलेबल है उससे सस्ते रेट में आपको गोल्ड मिलता है, तो आप खरीद सकते हैं. प्योर गोल्ड है, गवर्नमेंट के थ्रू बॉन्ड्स आते हैं. अभी मिल रहा है 61,490 रुपए का. मार्केट में भी गोल्ड का प्राइस है 64,000 के आसपास, 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का. तो आप उस बॉन्ड को खरीद सकते हैं. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 10 से 15 दिन में वो सैंक्शन हो जाता है. इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत बढ़िया है. सावधान रहे, सतर्क रहे, अच्छी जगह फ्रॉड से बचे, अच्छी जगह इन्वेस्ट. RBI का वो गाइडलाइंस है ना. दोस्तों देखिए, ये घर पे बर्थडे है सानू का, और ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं, डिजिटल बर्थडे मना रहे हैं. चल रहा है ये डिजिटल बर्थडे मनाया जा रहा है. देखिए चांदनी बैठ के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. वाह मम्मी वाह. अच्छा मामी मामी मामा सब लोग आए हुए हैं बर्थडे पे. पैसा. तो भाई हो गया है डिनर का टाइम. डिनर में है आज आलू चने की सब्जी और चावल सब लोग खा रहे हैं. ये देखिए इसको खांसी आ रही है और ये रात में चावल खा. मेरा खाना दुश्वार कर दो. जब खाती हूँ तब ये बहुत तेज पकड़. चने की सब्जी बन खा रहे हैं सब लोग. आइए पूछते हैं लड्डू. देखिए रो रही है. देखिए लड्डू को देखिए रोते हुए. अभी इसकी मालिश हुई है. मालिश होने के बाद ये चिड़चिड़ी हो गई है और रो रही है. और ये देखिए बाबू को. कैसी सब्जी बनी मम्मी? अच्छी है. कैसी बनी है सब्जी? अब कहाँ बा चप्पल उठा रहे. ये बनी है आलू चने की सब्जी, पर मैं ये नहीं खाऊंगा दोस्तों. मैं खाऊंगा कुछ और. तो एक बहुत जबरदस्त ऑफर है हमारे पास, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री है. अगर किसी को लेना है तो वो ले जा सकता है. हमारे बच्चे इतना नहीं है. हमारे बच्चे हमको और चाहिए गोदुगो. हमारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के सबका दिमाग खराब कर दिए हैं. ये देखिए एक चिल्लाता है, एक चुप होती है, ये चिल्लाती है, ये चुप होता है. ये देखिए एक ये बच्चा है. देखिए इसका खाना खाना खाने का अलग स्टाइल है. ये अपने से खाना खाना त्याग दिया है. अब इसको खिलाना पड़ता है पकड़ पकड़ के. अब जा रहा है खाना खा के. देखिए ये घर में सबसे शांत अगर है तो यही है. देखिए उस इंसान में होती है खासियत, वैसा है मेरा स्कॉच, बिन बोले अपना सारा काम करा देता है. और ये देखिए यहाँ ये चिल्ला रहा है, यहाँ ये चिल्ला रही है, इन सब ने ऐसा इन सब ने ऐसा माहौल कर दिया है कि मैं तो पागल हो गया हूँ. मैं चाहता हूँ कि अब 10 दिन मैं कहीं हिमालय में जाकर चुपचाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, शांति. जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने डिनर नहीं किया है, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. ये देखिए मैंने मंगाया हुआ था कबाब, जो कि फ्रोज़न कबाब होते हैं, सीख कबाब है ये. तो इसको मैं अभी सीख कबाब को फ्रोज़न वाले को बनाऊंगा और फिर इसके साथ मैं खाऊंगा अपना कबाब और रोटी, क्योंकि मुझे कबाब पसंद है और कबाब और रोटी तो ऑब्वियसली अच्छी ही लगती है. तो मैं अभी कबाब को गर्म करूंगा और फिर आपको रोटी के साथ खाऊंगा. तो मैं भी दिखाता हूँ आपको कैसे इसको फ्रोज़न वाले को कबाब को कैसे यूज़ करते हैं, ताकि आप भी ब्लिंकिट या फिर जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं आपके लिए, आपको कबाब खाने का मन है तो आप मंगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल होता है. और आज फ्राइडे है,
तो अभी कबाब को गर्म करते हैं और फिर खाते हैं। बहुत दिन हो गया था नॉनवेज खाए, तो आइए। तो देखिए ऐसे ही होते हैं ये फ्रोजन कबाब्स, ये फ्रोजन है। तो इसको अभी मैं काट के, ये मैंने पैन रख लिया है, पैन में बटर डाल के इसको करूंगा मैं फ्राई और फिर उसके साथ गरम गरम रोटी खाएंगे। तो देखिए करने को आप इसको बटर में भी कर सकते हो, घी में भी कर सकते हो, रिफाइन में भी कर सकते हो, डालडा में कर सकते हो, पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि मुझे पर्सनली जो मस्टर्ड ऑयल है वो पसंद आता है। तो घी में कर सकते थे पर घी मेरे को पसंद नहीं आता, चिकन विकन के साथ उसका टेस्ट मेरे को पसंद नहीं आता, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो मस्टर्ड ऑयल में अभी इसको डाल के मैं फ्राई करूंगा। तो ये देखिए हमने इसको डाला है, इसको आप कट करके भी डाल सकते हो, पर अब कौन कट करे, कौन इतना टाइम लगाए, तो मैंने सीधा ही खड़ा ही डाल दिया है। तो इसको सीधा ही खड़ा इसमें ऑयल में फ्राई कर देंगे ताकि ये पूरे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। इसमें कुछ तो ये देखिए हमारे कबाब पूरी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई होके। अभी मैं इसको निकालूंगा और फिर चपाती में रोल करके कबाब रोल बनाऊंगा इसका और फिर हम लोग खाएंगे इसको अच्छे से। तो दोस्तों ये देखिए बन चुके हैं हमारे स्वादिष्ट कबाब, चपाती कबाब रोल, और ये अभी हम टेस्ट करेंगे। अब मैं चलूंगा खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और आज का दिन हम करते हैं यही खत्म। ट्रिप जो हमारी थी वो पोस्टपोन्ड हो गई है, हम कल जाएंगे आज की जगह, क्योंकि आप अभी जीजू रास्ते में है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो झांसी गए हुए थे तो वो वापस आ रहे हैं, ट्रेन में हैं, तो अभी रात में 11 12 बजे तक वो आएंगे। फिर हमने प्लान करा है कि हमारी, क्योंकि अब क्रिसमस की भी छुट्टी आ गई है तो रात में बच्चों को लेकर ट्रैवल करना सही नहीं है ठंड में, तो हम कल दोपहर तक या शाम तक यहाँ से निकलेंगे। फिर अभी कल अभी आराम करेंगे खा पी के। आप लोग भी अपना ध्यान दीजिए, अच्छे से इस वीक को सेलिब्रेट करिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स है, क्रिसमस आ रहा है, फिर न्यू ईयर आ रहा है, नए साल में आप लोग सारे अच्छे अच्छे काम करिए, अपने पुरानी चीज़ों को लेफ्ट बिहाइंड करिए और खुश रहिए, आसपास भी खुशियाँ फैलाइए, सारी पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैब करिए, निगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए। और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।